गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ आपका एक अमेजिंग टॉपिक है जिससे आप पता कर पाएंगे कि आप कैसे फिट रह सकते हैं या कितने फिट हैं अपनी लाइफ में। तो उसे एक जर्नल आप टेस्ट कर सकते हैं अपने अपने साथ में। जैसे कि आपको अगर सुबह के आप उठते हैं, उठने के बाद में आपको ये हार्टिंग महसूस नहीं होता है, फ्रेश फ्रेश लगता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी फिट है। और अगर आप सुबह उठने के बाद में फ्रेश अच्छा होते हैं तो ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लगेगा कि आपका पेट सही है, क्योंकि पेट ही 1000 बीमारियों की जननी है। क्यों? अगर पेट सही नहीं है तो हमें बीमारियाँ लगती चली जाती हैं। थर्ड क्या है कि आपको अच्छी नींद आना। नींद का मतलब ये नहीं है कि आप 12 घंटे सो रहे हैं और वो अच्छी नींद है। 8 घंटे की नींद एक बार लगने के बाद में सुबह ही आपकी आंखें खुले तो इसको बोलेंगे आप बहुत अच्छी नींद आपने ली है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको भूख लगना। दिन में 3 से 4 बार इतनी भूख लगनी चाहिए तेजी से कि आपको उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो, कि लगे कैसे भी हमें खाना मिल जाए। तो इससे ये पता चलता है आपकी बॉडी सही वर्क करके, आपका मेटाबॉलिज्म सही से वर्क कर रहा है। तो ये भी एक है कि इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फिटनेस की ओर चल रही है। फिर क्या है कि आप अगर लगता है कि भाई जैसे दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, थायराइड है, शुगर है, ये तो देखो अपने आप ही पता चलता है अगर ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों को बढ़ते जा रहे हैं। आपकी स्किन का रूखा रहना, बालों का रूखा रहना, एलर्जी होना, ये भी क्या है बीमारी और बढ़ने के आपके सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को से भी आप अपनी बॉडी का पता लगा सकते हैं कि हम बीमारियों की ओर कितना बढ़ रहे हैं या हम कितनी फिट हैं। तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ और अपनी हेल्थ को खुद एनालाइज करना सीखें जिससे आप अपनी फिटनेस को अचीव कर पाएँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ 80-20 का ही रोल है, 80% आपके रसोई से है और 20% आपकी जो दिनचर्या डेली एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी रसोई से लेते हुए बाहर तक का पूरा जो सफ़र है इसको कंप्लीट करना होता है, तब ही हम लोग एक अच्छी फिटनेस अचीव कर पाते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, हेल्दी रहें, फिट रहें।